हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, स्वागत है आप सभी का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप 21.7 को अपडेट कर चुके हैं और अपडेट करने के बाद आप लोग भी पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ठीक करेंगे, आज के इस वीडियो में आप सभी को इसी के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि 21.7 का जब अपडेट आया था, आप लोगों ने उसको अपडेट कर लिया था, तो अपडेट करने के बाद जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे थे, तो वहाँ पर आप लोगों को अभी भी ये समस्या देखने को मिल रही है। किसी भी कैटेगरी को आप लोग ओपन करके यहाँ पर जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो है यहाँ पे लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो आ चुका है। और आप लोग जो है यहाँ पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा और यहाँ से कोई भी काम आप लोगों का नहीं हो पा रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ठीक करेंगे, चूंकि इसके रिगार्डिंग आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का काफी सारा कमेंट भी आया हुआ है कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में जो है वो लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, चाहे गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो या 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हो। किसी भी कैटेगरी को आप लोग अगर ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे किसी का भी जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा होगा। मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, जब मैं यहाँ पे लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहा था तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं खुल रहा था जिससे कि हम लोग लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो फिर मैंने यहाँ पे एक दिमाग लगाया, एक सेटिंग किया, जिसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग का पोषण ट्रैकर ऐप में आसानी से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे जो उसका ऑप्शन है वो दिखने लगा है। यहाँ पे मैं अब आसानी से यहाँ पे लाभार्थियों का जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, इसके लिए ही आज की ये वीडियो है। तो वीडियो आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेनी है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा बस वैसे ही आप लोगों को करनी है, इससे आप लोगों की प्रॉब्लम एकदम 100% ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए बहनों, सिंपली आप लोगों को इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोगों को इस प्रकार से जो है पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि जो मोर वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इस मोर वाले ऑप्शन पे आप लोगों को आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है एक लॉग आउट का जो ऑप्शन दिया गया है, इस लॉग आउट वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वर्जन है वो 21.7 का दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि लॉग आउट वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ओके वाला बटन जो है इस प्रकार से आप लोग दबा देंगे, तो आप लोगों का जो है पोषण ट्रैकर ऐप यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद देख सकते हैं कि 21.7 के बाद जो है आप लोगों का जो लॉगिन पेज है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे और जो आप लोग एमपिन से लॉगिन करते हैं उसको यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम लॉगिन करके दिखा देते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे और पोषण ट्रैकर ऐप में जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे आसानी से होने लगेगा। देख सकते हैं हमारा पोषण ट्रैकर ऐप में जो है इस प्रकार से लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हम बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस मैं कर चुका हूँ इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है, लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आप लोगों को सिंपल सा करना क्या है कि पोषण ट्रैकर ऐप को एक बार लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करके फिर से आपको क्या करना है कि लॉग इन कर जाना है। लॉग इन कर जाने के बाद देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पर जो है वो लाभार्थियों का कैटेगरी को हमने ओपन किया तो इस प्रकार से कोई भी डेटा हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर जो रिफ्रेश वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इस पर आप लोग एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो लाभार्थियों का डेटा है वो शो हो जाएगा। कई बार होता है कि आंगनबाड़ी सेविका बहनों का न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे जो लाभार्थियों का डेटा है वो शो नहीं हो पाता है, तो आप लोग यहाँ पे रिफ्रेश वाला जो ऑप्शन है इसको आप लोग हमेशा यूज करते रहिएगा जब आप लोग लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे वो लाभार्थी का जो है डेटा शो होने लगेगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे कि लॉग आउट करके आप लोग जैसे ही लॉग इन करेंगे और आप लोग जाके यहाँ पे देखेंगे कि अब जो है आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप में जो लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है वो आसानी से ओपन होने लगेगा। मेरे साथ भी सेम यही कंडीशन थी, मैंने यहाँ पे लॉग आउट किया फिर लॉग इन किया, उसके बाद हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है वो आसानी से ओपन हो चुका है। अगर ऐसे भी आप लोगों का नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे कि एक बार जो है पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे और अनइंस्टॉल करने के बाद
फिर से क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसमें अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डालेंगे, और एमपिन डालने के बाद जो है आप लॉगिन कर जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब आप लोग यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने आएंगे तो आपका 100% यहाँ पे जो है लाभार्थियों का न्यू रजिस्ट्रेशन होने लगेगा। आप लोग करके जरूर देखिएगा जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।